जबलपुर की क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन पुलिस ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से लगे जंगलों में जुआ खेल रहे 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से 1 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। इस पूरे जुए के मास्टरमाइंड भूरा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भूरा शहर के अंदर अपनी जगह बदल बदल कर जुआ खिलवाया करता था। रविवार देर रात जब वह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से लगे जंगल में अपने बनाए ठिकाने पर जुआ खिला रहा था, उसी वक्त मुखबिर ने इस बात की सूचना क्राइम ब्रांच को दे दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन पुलिस ने साथ मिलकर जंगल में दबिश दी। इस दौरान जंगल में जुआ खेल रहे जुआरियों में पुलिस को देखकर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई, लेकिन क्राइम ब्रांच और पुलिस ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया और उन्हें मौके से ही दबोच लिया। पकड़े गए जुआरियों से 1 लाख से ज्यादा की रकम, 12 मोबाइल फोन के साथ कई ताश की गड्डियां बरामद की गई हैं। भूरा यादव करके है जो भोंगा द्वार का रहने वाला है। ये जगह बदल बदल के जुआ खिलाता है। ये कभी गोरा बाजार में, कभी भोंगा द्वार में, कभी और कहीं। ये जगह बदल बदल करके ये मतलब जुआ डेली खिलाता है। इसकी सूचना मतलब मिलती रहती थी, लेकिन मौके पर जाने पर ये मतलब गायब हो जाता था। आज मुखबिर से सूचना मिली कि ये यूनिवर्सिटी के पीछे जंगल में लोगों को बैठाल के रुपयों में ताश पत्तों से जुआ खिला रहा है। सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर छापा मारा, जिसमें 12 लोग पकड़े गए। 12 लोगों में 7 नग मोबाइल हैं, एंड्राइड के 7 नग मोबाइल, 5 नग कीपैड के हैं, एवं 1,10,410 रुपए की जब्ती बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।